नवसारी जिला ब्यावर की प्रथम जिला स्तरीय जनसुनवाई तहसीलदार के वीसी सभागार कक्ष में गुरुवार को आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, डिप्टी मनीष चौधरी, नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, तहसीलदार मोहन सिंह राजावत तथा जिले के सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 83 परिवादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान परिवादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न परिवाद पेश किए, जिनमें स्ट्रीट लाइट, बिजली, पानी एवं सीवरेज से जुड़े सड़कों एवं पार्कों के रखरखाव, सरकार की योजनाओं तथा स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरण शामिल थे। जिला कलेक्टर तोमर द्वारा परिवादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और अधिकतम समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निर्देश प्रदान किए गए। इस प्रक्रिया में समस्याओं का कारगर एवं जल्द समाधान करने के लिए राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति होगी। जिला स्तरीय प्रथम जनसुनवाई में विधायक शंकर सिंह रावत तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर मृदुल सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा परिवादी उपस्थित थे। ब्यावर जिले की नोटिफिकेशन आने के बाद राज्य सरकार के आदेश अनुसार गुरुवार को होने वाली प्रथम जिला स्तरीय जनसुनवाई थी। इसमें 75 आवेदन प्राप्त हुए। कुछ मैक्सिमम आवेदन अभी ब्यावर शहर के आए थे, कुछ हमें जैतारण, रायपुर और मसूदा के आए। इसमें जिला प्रशासन अध्यक्षता श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा प्रयास ये किया गया कि हाथों हाथ मौके पे ही जो आवेदन आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए, या जिसमें कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है या जिसमें कोई ऐसा काम है जहां विभाग के द्वारा जब रिपोर्ट आएगी तो सर ने मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम दिया कि किन किन प्रॉब्लम्स को तुरंत प्रभाव से सॉल्व किया जाए। और इसी को देखते हुए हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी अगर जब भी जनसुनवाई हो तो कृपया करके आगे आए और जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो हमको बताएं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आए।